दोस्तों, आज की इस वीडियो में एक ऐसा ट्रिक बताने जा रहा हूं जिससे आपका डाटा ना तो डिलीट होगा, ना ही कोई कॉपी कर सकेगा और ना ही कभी करप्ट होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ डेस्कटॉप पे मैंने एक डेमो नाम से एक फोल्डर रखा है और इसके अंदर 1, 2, 3 नाम के 3 फोल्डर्स हैं और इन सभी फोल्डर्स में कुछ इमेज भी हैं। दोस्तों, यदि फोल्डर नंबर 1 को कॉपी करके किसी फोल्डर में पेस्ट करते हैं तो ये पेस्ट हो जाता है। पेन ड्राइव में भी यदि पेस्ट करते हैं तो पेस्ट हो जाता है। इसी तरह यदि डेमो फोल्डर को कॉपी करते हैं और पेन ड्राइव में या कहीं भी पेस्ट करते हैं तो पेस्ट हो जाता है। आइए इसे डिलीट करके आगे बढ़ते हैं जबरदस्त ट्रिक पर। यहाँ फोल्डर नंबर 1 की प्रॉपर्टीज पर जाएं और फिर सिक्योरिटी पर क्लिक करें और जिस नाम से आपका सिस्टम है उस पर क्लिक करें। यहाँ एडिट पर क्लिक करें, इसके बाद फुल कंट्रोल पर क्लिक करें, फिर अप्लाई और ओके करें। अब आप फोल्डर नंबर 1 को ओपन करेंगे तो ये ओपन नहीं होगा। कॉपी करके पेन ड्राइव पे पेस्ट करेंगे तो भी नहीं होगा। यदि डिलीट करना चाहते हैं तो डिलीट भी नहीं होगा। एक बार फिर फोल्डर नंबर 3 पर भी ये ट्रिक अप्लाई करके देखते हैं। आप देख सकते हैं फोल्डर नंबर 3 भी ओपन नहीं हो रहा है। कॉपी करके कहीं पेस्ट करेंगे तो भी नहीं हो रहा है, यानी फोल्डर एक्सेस डिनाइड बताएगा। अगर हम पूरे डेमो फोल्डर को कॉपी करके पेन ड्राइव पे पेस्ट करते हैं तो फोल्डर एक्सेस डिनाइड बताएगा। यहाँ कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तब भी फोल्डर एक्सेस डिनाइड ही बताएगा। ट्राई अगेन करेंगे, कोशिश करेंगे तो हम देखते हैं कि जिस फोल्डर पे हमने फुल कंट्रोल का परमिशन दिया था वो कॉपी नहीं हुआ और जिस पर परमिशन नहीं दिया था वो कॉपी हो गया है और उसके अंदर जितने इमेज थे वो भी कॉपी हो गए हैं। अब हम फोल्डर नंबर 1 से फुल कंट्रोल का परमिशन रिमूव करते हैं, फिर अप्लाई और ओके करते हैं। अब इसे ओपन करेंगे तो ओपन हो जाएगा। कॉपी करके कहीं पेस्ट करेंगे तो पेस्ट भी हो जाएगा। इसी तरह फोल्डर नंबर 3 से भी परमिशन रिमूव करेंगे तो ओपन, कॉपी, पेस्ट, डिलीट सब के सब हो जाएंगे। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आज का हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो। तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिले।